सवाल इस क्योंकि बात का है कि अगर आप हमारे, दूसरी बात भी आप पूछ अगर रहे आप हैं, हमारे प्रश्नों को और उत्तर नहीं दे साहब मैं पाएंगे। आपको नहीं हकीकत बताऊं, ऐसा लग रहा है। मैडम, आप उनको साफ बताइए, ठीक है साहब, हम सुन लीजिए। पीयूष बैठ जाइए शांति से, एक बढ़िया बैठ करते जाइए हैं आप शांति से, बैठ जाइए, आपने बाहर कर दूंगा यहाँ से। लक्ष्मी पुराण पर आपके ऊपर ही अविश्वास किया जा रहा है। जब अब आप ये बताइए कौन बहस करेंगे इसमें, मैं फिर दूसरे को अलाउ नहीं करूंगा, खो खो नहीं खेलने दूंगा। जी सर, मानो सर आज हम बहस करना चाहते ये हैं अपनी बात हिंदी, रखना चाहते हैं हिंदी में बहस करना ये अपनी चाहते बात रखना चाहते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जी सर, माननीय न्यायालय से निवेदन है कि हम काफी परेशान और पीड़ित हो रहे हैं, बुजुर्ग निसंतान दंपत्ति है, पुलिस और नीचे ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही से काफी हतोत्साहित होकर के हम बहुत परेशानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और हमारे परिवार ने मतलब ये तीनों केस पुलिस से मिलकर के हमारे ऊपर दुर्भावना के वेश गुप्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपत्ति से बेदखल करने के उद्देश्य से हड़पने की नीयत से हम पर ये केस लगाए गए, और पुलिस ने कहीं भी निष्पक्ष जांच ही नहीं की। मतलब पुलिस हमारी FIR ही नहीं लिखती है, हमने शासन के हर पटल पर हमारी आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से भी हमने 3 बार आवेदन दिए, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हाईकोर्ट में भी माननीय चीफ जस्टिस साहब को कई आवेदन दिए और मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। अभी 4 दिन पहले CJ साहब से 1-2 मिनट के लिए हमारी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने हमको 24 तारीख दी थी, 24 तारीख को हमारी सुनवाई नहीं हो पाई। मतलब शासन प्रशासन की इस कार्यप्रणाली से हमारा जीवन नारकीय बन गया। मतलब हम कहीं भी जीने, मतलब मेरी स्थिति मरणासन्न की है। 2016 के अंदर मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था, अभी भी हम मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, कई बार चलते चलते फेफड़ों में इन्फेक्शन भी है। मतलब लोग जनरल आदमी ये समझता है कि बहानेबाजी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, और कोर्ट के सामने हमारे को सच्चाई लाना है। हम ये चाहते हैं कि सब नीचे जो ट्रायल कोर्ट में प्रक्रियाएं चल रही है देखिए, उसकी नहीं चारों प्रकरण की कोई मतलब इस तरीके से फेस्टिवल रिकॉर्ड नहीं सुनिश्चित। आएगा, रिकॉर्ड सर बोल रहे हैं, इस हालांकि तरीके से इस नहीं आएगा। तरीके से नहीं आएगा, सर को लगेगा तो बुलाएंगे। हाँ, तो अपन मतलब 573/16 केस आप नंबर मुझे निर्देश मत कीजिए कि रिकॉर्ड बुलाएं। जी सर, निर्देश मत तो पड़ गए 573/16 है सब, पेज नंबर 15 पे ये पेज ऑर्डर नंबर, हमने इसमें लगाया है, एक सेकेंड, पेज नंबर 16, सोलह पेज नंबर 16 है कि 15 है? 16 15 15 15 देखें, आराम से करिए, आराम से कीजिए, इतनी जल्दबाजी नहीं है। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर खत्म कीजिए, आपको उतना जितना समय लेना उतना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। जी बताएं सर। बोलो इसमें बोलो। इसके अंदर सब जो आरोपी नंबर 3 है महेंद्र पिता संतोष पाटनी, ये कोर्ट ने गलत लिखा है, क्योंकि संतोष पाटनी तो मेरे ब्रदर हैं, महेंद्र उनका नौकर है। एक मिस्टेक तो सब यहाँ है, पेज नंबर 16 पे लिखा है कि गार्ड ने महेंद्र ने डंडे से मारा, ये इसमें स्पष्ट हो रहा है, और सब इसपी के अंदर ये लिखा है भयभीत हमें किया गया है और फंसाया जाना नहीं, प्रकरण पेज में नंबर हमको सोलह फंसाया पे, गया। पेज आराम से पेज बोलो, आराम से बोलो। पेज नंबर 16 पे कहाँ का गार्ड ने डंडे से मारा कहाँ है? कंडिका 2 में है ना, कहाँ लिखा है क्या चीज? पेज नंबर? महेंद्र महेंद्र के लिए जो बोल रहे हो ना, कहाँ लिखा है? आराम से आराम से, घबराओ मत। अच्छा मिल गया, मिल गया मेरे को। गार्ड ने महेंद्र, गार्ड महेंद्र ने डंडे से मारा। पेज नंबर 18 पे चलिए जस्सा को पढ़ने दो। हाँ, सिराज के कथन उनके बताए अनुसार लिखित किए गए। मैडम ये तो जजमेंट पढ़ रहे हैं, सर ये जजमेंट है, ये जजमेंट है सर। इसी के संबंध में 1402/16 सर ये खत्म कर दिए। मतलब बताओ, जजमेंट पढ़ रहे हैं ना हाँ ये जजमेंट है सर, तुम? और हाँ ये जजमेंट दूषित प्रक्रिया के तहत मतलब फोर एटी टू पारित में किया क्या, गया। 482 में मैं क्या करूंगा? 482 में कैसे लेंगे जैसा आप बोल रहे नहीं, हैं? 482 में तो साहब इसके अंदर जो जजमेंट इन्होंने दिया है हमको फरार घोषित करके दिया है, जबकि हम वहीं घूम रहे हैं। इसी में जो उन्होंने हमारे ऊपर इसी के केस में 1402/16 उसमें हम जा रहे हैं, काउंटर है इसके अंदर जिसमें हम प्रेजेंट हो रहे हैं, वो फर्स्ट FIR और हमारी हमारे केस में हम फरार हो रहे हैं। 1402/16 बताओ, पिटीशन नंबर कौन सी है? अच्छी 1402/16 के पिटीशन नंबर बताओ। केस बताऊं क्या बताऊं? हाँ, 1402/16 FIR बताओ कौन सी है, FIR, FIR नंबर बताओ। FIR नंबर सर ये स्टार्ट ही गलत कर लिया सर। पेज नंबर 9 सर, तीन FIR को चैलेंज करेंगे। FIR नंबर 25/2016।
ये तो आपकी एफआईआर पे जो ट्रायल हुआ था जी सर, उसका जजमेंट है, उस जजमेंट से क्या हम करेंगे उसे? जजमेंट इसलिए बता रहे हैं कि इसी से संबंधित फर्स्ट एफआईआर हमारी थी, अच्छा उसमें इन्होंने इसमें जजमेंट में हमको फरार कर दिया। और सर उसकी दूसरी के मतलब जो मेरी खुद की है उसमें हम जा रहे हैं सर। तो सर माननीय न्यायालय के सम तो बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से ट्रायल की जा रही है। अच्छा ठीक है सर, और ये सब जजमेंट जो इसमें पार्टी इस जजमेंट से तो आप दुखी मतलब वो नहीं है ना, अग्रीव्ड सर, नहीं है ना या तो दोनों के साथ में चलते हैं। मैडम? मैडम ऐसे नहीं होता। ये जजमेंट जो साहब हमको फरार घोषित करके जजमेंट दिया गया है, जबकि हम फरार ही नहीं। ये तो कोई दूषित प्रक्रिया कोर्ट की अच्छी और बात, पुलिस के आप जो इसको पुलिस चैलेंज मिल कर पता रहे है हैं एक कंडिका में ये मैडम? मैडम मुझे समझ इसको चैलेंज करना है कि जस्ट साहब। नहीं, चैलेंज अलग चीज होगी सर, दूषित अरे प्रक्रिया। चैलेंज कर रहे हो क्या? 482 में हमने ये हमारे पक्ष के अंदर ये रखा कि जब हम फरार नहीं है और पुलिस हमको फरार घोषित करवा रही है, कोर्ट अरे इसको मैं संज्ञान। समझ गया, जस्ट साहब पूछे चैलेंज कर रहे हो इसको। हाँ साहब इसको चैलेंज करना है और 482 में इसको ऑर्डर को वापस अपडेट कराना है, ये एफआईआर वापस सो कर ही दिया है दिस इज नॉट अंडर चैलेंज। आ राइट राइट ठीक ये सब जी। वापस कौन के केस चालू हो जाए। सा केस चालू हो जाए? कौन सा केस बोलो? केस 2516 सर, वो केस पच्चीस नंबर RCT 1402 ये जिसमें सॉरी हम पांच सौ मैं तिहत्तर फरियादी ओब्लिक हूँ। 16 जिसमें आप फरियादी हैं, आप दोबारा उसको चालू करवाना हाँ चाहते हैं। 2416 है ना, मैं फरियादी हाँ कर रही हूँ। 2416 2416 कहाँ है? चौबीस सोलह है 2416 एफ आई आर नंबर ढंग से और प्रकरण नंबर है पास। RCT। आई नो यार, सी कोई वो आई नो दैट, लेट मी हेयर हिम, ही इज ट्राइंग टू चैलेंज दिस ऑर्डर ऑल्सो एक्विटल एंड ही वॉन्ट्स दैट हिज एफ आई आर एंड दिस सर एफ आई इसी आर दो बोथ शुड बी ट्राइड टूगेदर। आई सर नो, डोंट वरी, लेट हिम कंप्लीट हिज आर्ग्यूमेंट्स। इसी प्रक्रम पे पहले एक कॉलेज अपने सब न्यायालय के सामने एक बात लाना चाहता हूँ कि सत्यम अग्रवाल जी ने जो वकालतनामा पेश किया उस पर मेरी आपत्ति है। उसमें जो मतलब आरोपी मतलब पक्षकारों के जो साइन है वो साइन मैच नहीं करते हैं साहब। वो ऑर्डर शीट आपके पास में भी है जो 1402/16 सत्यम चल अग्रवाल रही जी है, ने पांच किसके सौ लिए इकहत्तर वकालतनामा फाइल किया? चारों पक्षकारों के साथ साइन ही गलत है उसमें। रेस्पोंडेंट नंबर 6789। अच्छा ठीक है, आई एम ओके अपीयरिंग ऑन। ओके अच्छी क्या चीज़ हूँ। अच्छी एक जगह अपने को गिरफ्तार करके लेके गए थे, किस होता है किस डमी व्यक्ति को खड़ा करा वो बताओ, कौन सी कंडी का है? पढ़ होता है की नहीं है इससे क्या स्टार्ट कर दूंगा। जी मैडम, और क्या करना चाहिए इसमें? जी, बताएं। सर ऑर्डर नंबर जो 573/16 का ऑर्डर है पेज नंबर 17, इसका पॉइंट नंबर 5 जिसमें लिखा है कि साक्ष्य के अनुसार संतोष सिम्मी को मार रहा था, उनमें से एक चौकीदार था। वह साथ में एक चौकीदार था। जी सर, और नीचे लिखा है साहब आरोपी महेंद्र ने फरियादी के साथ डंडे से मारपीट की। जी सर, हाँ वो एक अपने को जो गिरफ्तार करके लेके एक गए मिनट, किसके साइन है वो वाला बताओ पॉइंट पेज साइन। नंबर साहब 18 पे 8 नंबर पॉइंट में लिखा है कि उक्त घटना हुई है जो प्रकरण की सुनवाई के दौरान भविष्य में न मिलने की संभावना के आधार पर अदम पता घोषित किया गया। सर इसी के केस में जा रहे हैं मतलब मतलब जो फरियादियों को साहब अदम मैडम पता वो घोषित सवाल करके नहीं जी है, सर। उसकी अपील करते और अपील में हम सब सुन लेते। मैडम सर वहां कुछ भी सुनवाई नहीं होती सर, हमारे पास अपील यहाँ इतने होनी थी। सर ठीक है लेकिन हमको तो इतना हैरेस कर रखा मैडम सर। सब कुछ ठीक है, सवाल इस बात का है कि क्या मैं इसमें सुन सकता हूं कि नहीं जजमेंट ऑफ एक्विटल के खिलाफ, बस इतना पहले बताइए। मैं समझ गया कि आप एक केस में अपियर हो रहे हैं और दूसरे केस में आपको तामीली नहीं बता रहे हैं आपकी, समझ गया मैं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। सर बोल रहे हैं अपील क्यों नहीं करी आपने नीचे, सब ये हमारे संबंध नहीं आए, ऑर्डर का वो हमें मालूम नहीं पड़ा, फिर अपील अपील क्यों नहीं करी? अपील इसलिए तो नहीं की, हमको जब जानकारी भी नहीं आई तो अपील नहीं कर पाए।
जब और ये बात के अंदर साहब क्या हुआ कि जब जानकारी में पकड़ करके ले गई तो किसी ने बताया कि साहब आपके ऑर्डर कोई बात नहीं है आपको जब तो हमने सब कोशिश करके ये ऑर्डर निकलवाया बाकी फाइल हमारे पास में नहीं है एक भी कागज नहीं है इस केस में साहब आज तक नहीं है। चलिए बताइए बताइए आगे बताइए गिरफ्तार करके लेके गए थे वो बताओ ना कहाँ है। इसी में साहब जमानती वारंट जारी किया गया तो हमें आज तक नहीं मिला। साक्षीगण को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हमें आज तक इसमें गिरफ्तार नहीं किया गया 573/16 में। ये भी लिखा हो साक्षीगण स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए और लिखा साहब नीचे साक्षीगण स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए उनके द्वारा उनकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण साक्ष्य हेतु समय दिए जाने का निवेदन किया। जबकि हम उपस्थित ही नहीं है तो सब हमारी मानसिक स्थिति की बात कर कैसे करेंगे और हम कैसे समय मांगेंगे। मैडम ये कौन सा पैराग्राफ में है? ये पैराग्राफ नंबर 8 है सर। ओके अच्छा पेज नंबर 19 साहब पैराग्राफ नंबर 8 8 में पेज नंबर 19 मुझे आराम से बोलो। जी सर आगे बोलो। हाँ सर पेज नंबर 9 में सब लिखा है उल्लेखित पता पेज नंबर 9 नहीं कंडी का नंबर 9 अब आगे बोलो पेज नंबर मैडम कोई बात नहीं कंडी का नंबर 9 साहब जिसमें उल्लेखित पता शनि मंदिर के पास बुरानपुर गया था तो साहब शनि मंदिर के पास जो भी जहाँ हम रहते हैं या जहाँ वहाँ गए अड़ोस पड़ोस के या किसी भी परिचित व्यवस्थित नेता के या किसी के भी मतलब बयान नहीं ली गए पूरी लाइन कंप्लीट और इसके अंदर ये लिखा है आप पंचान सलीम पिता मुख्तियार आलम निवासी गांधी चौक एम नितिन पिता रमेश बाग उम्र 40 वर्ष इतवारा ये इतवारा वाले सब वहाँ क्या करेंगे और किसके सामने ये पंचनामा बनाएंगे सब झूठे पंचनामे बन रहे हैं सब। जी सब 10 में भी नीचे लिखा है का फरियादी सिम्मी एम आहत जम्मू के निकट भविष्य मिलने की संभावना नहीं है सर हम वहीं रह रहे हैं जबकि हम वहीं पूरे बुरहानपुर में घूम रहे हैं सर पिछले साल हम गलत ऑर्डर के कारण आए थे यहाँ जबलपुर और अभी आए हम निकलते ही नहीं है जब सर हमारे कुछ इन केसों ने इतना खराब कराया कि सर हमारा परिवार समाज हमारी लाइफ ही बर्बाद कर दी साहब एक्चुअली कोई मतलब किसी के अंदर तो बिजनेस हो रहा है और परिवार समाज भी छूट गया सर हम कहीं जाते ही नहीं है पर इन दोनों इन केसों के चक्कर में पिछले साल भी हम आए और इस साल भी हम यहाँ बैठे 5 महीने से सर। जी जी सीएमएल की कंपनी और क्या सब पेज नंबर सब 23 कंडी का नंबर 18 जिसमें सब संतोष की उम्र 58 वर्ष एवं पीयूष पिता संतोष पाटनी आयु 58 वर्ष सब पेज नंबर 21 और कंडी का नंबर 15 इसमें ये महाशय जैस साहब ने लिखा है ग्रामीण क्षेत्र में माँ बहन की गालियाँ देना प्राय दैनिक बोलचाल में उपयोग की जाते हैं जो इस प्रकृति के नहीं है कि वह कामोद्विक है तो सब जब गालियाँ देना ही अगर मान लो आम बात है तो सब कानून को भी कानून से ये विलुप्त कर देना चाहिए जब गालियाँ देने पर जब ये बनता है केस तो फिर सब जैस साहब ये ऐसा लिख रहे हैं ये तो समझ के बाहर की बात हो रही है। सब पेज नंबर 24 में है सब कलेक्टर का आदेश मतलब ऑर्डर है तो हम सब रेन बसेरा के अंदर वास हुए हमको रहने खाने पीने की बहुत तकलीफ हो रही थी हम बहुत परेशानी के अंदर थे रेन बसेरा में हमको जीवन यापन करना पड़ रहा था। 2016 में जब FIR करी तो 2015 में इनको ऑपरेशन हुआ था इनका बहुत बड़ा और 16 में भी इंदौर में गोकुलदास में लेके गई थी और उसके बाद में ये FIR दर्ज हुई है 1402/16 इसका RCT नंबर है 2516 सर ये FIR जो दर्ज अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग
सर हम लोग कोई किसी के एक रूम दे रखा है वहां रहे। हाँ पर इनको कलेक्टर साहब ने भी रहने से रहती है आजकल, कुछ सारी बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई मुझे 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 एड्रेस नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि इन केसों से हमारा पूरा डैमेज हो गया। मैं समझ रहा हूँ, मुझे ये एड्रेस नहीं चाहिए कहाँ रह रहे हैं, मतलब ये रैन बसेरा बुरहानपुर में रह रहे हैं क्या, ये पूछा था। पहले मुसलमान के घर सोए 8 महीने। अरे मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, एड्रेस नहीं चाहिए। 1402 ये जो आरसीटी नंबर 2516 है ना भाई साहब का, उसमें सर मारपीट जो की गई उसके सीसीटीवी फुटेज तक नहीं लिए गए उन्होंने, और अनिल जी कुशवाहा एसपी साहब थे वहां जो। मैडम मैडम पहले एक एक चीज को एक एक पॉइंट को खत्म करते हुए चलेंगे ना। आपको पूरा मालूम है, आपको पूरा मालूम है, मुझे नहीं मालूम। अगर हम जंप करके चलेंगे ना तो हो सकता है हम ठीक से नहीं समझ पाए। कंटिन्यू मतलब व्यवस्थित करके बोलो, जंप करके ना। 1402/16 अभी आप पेज नंबर 24 पे सब पिटीशन के अंदर एक चीज हमने क्लियर की है, पिटीशन में पढ़ देता हूं। ये पेज नंबर 24 ये पहले इधर दे दे, ये कंप्लीट हो। हां तब ये 573/16 ऑर्डर का जो गलत प्रक्रिया से आदेश कर पारित हुआ, इसका ऑर्डर निरस्त कर ऑर्डर को वापस मतलब पुनः इस प्रक्रिया को वापस चालू को केस वापस चालू करने का निवेदन। ये वाला कौन सा जो P2 है जो पेज 15 पे है, तुम जो बोल रहे हो क्या, कहाँ है ये जो बात कर रहे हो, जैसा कौन सी अभी जो बोला वो कहाँ है, गाली वाली कौन सा निरस्त करना है, ये 2516 वाला कौन सा निरस्त करना है। नहीं निरस्त नहीं करना, 2516 है जो अपनी FIR है 2416 573। अरे वो जो सीरियल नंबर का जो हमारा प्रकरण मैच नहीं कर रहा है का आदेश जो गलत दिया गया, वो आदेश निरस्त कर प्रकरण को पुनः चालू किया जाए, इसको रिकॉर्ड पे लिया जाए। एक सेकंड, इसमें हम फरियादी थे 2516। अरे यार रुक जाओ, 2416 जो P2 का हिस्सा है सब। अच्छा 2416 ठीक है। अब इसी का 1402/16 के बारे में वो पिटीशन प्रक्रम था। सर जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके अंदर पेज नंबर 5 पे है साहब, का होनेबल रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस के नाम से हमने विजिलेंस के अंदर यहाँ शिकायत की थी 28/5/23 और 19/5/23 और 22/5/23 को। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से उसमें, उसमें साहब कोर्ट ऑर्डर शीट हमने लगाई थी ट्रायल कोर्ट की, ट्रायल कोर्ट यहाँ पेश किया है क्या, इसमें यहाँ पे लगी हुई है ऑर्डर शीट, यहाँ लगी ऑर्डर लगा हुआ साहब 14/415 का ऑर्डर लगा हुआ, उसके अंदर कोर्ट ने ये माना है कि बैकडेट के अंदर ऑर्डर शीट चली है और उस आदेश को पेश किया है। पेज नंबर बताओ कौन से पेज नंबर, एक मिनट, पेज नंबर 29 28/29/30 पे ऑर्डर लगा। जी सर आगे बोल, देख लिया जैसे ये किस केस का था ऑर्डर वैसे, ये चल देख लूंगा। 14/415/2023 NCRC 14/415 ये क्राइम नंबर कौन सा था, 25 क्राइम नंबर 25 में था। जी सब निवेदन है कि 14/415 जो केस नंबर है MCRC इसकी फाइल भी इसी केस के साथ में इंक्लोज करवा दी जाए ताकि कोर्ट के न्यायालय के सामने सारी चीजें आ सके। वो फाइल यहीं रखी हुई है, मैं बुला लेंगे उसके साथ। आगे बताइए। और साहब जब तक
आरसीटी 1402/16, 573/16, 852/18, 852/18, 854/18। हाँ, जब तक कुछ बात नहीं हो पाई, नहीं हमको बात नहीं करनी, आपकी बहस सुननी है बस। ये सब ये पेज जो हमने 17 आवेदन दिए, बाद में ये पेज नंबर 5 में है साहब, जिसके अंदर हमने ट्रायल कोर्ट के श्रीमान हुरमाटे साहब ने जो बैकडेट के अंदर चलाई थी, इसका निवेदन आपसे किया है और आपके सामने है, मतलब कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने जानबूझ करके ऐसा किया। अच्छा, हाँ, और इसी ट्रायल कोर्ट ने 17/10/22 के अंदर हमारे पर वारंट कर दिया, हम कोर्ट में उपस्थित थे, अपने सीजीएम की कोर्ट में हमने केस ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया, और 854/18 में हमारे साई ने हम उपस्थित थे, लेकिन फिर भी दिन में 1 बजे वारंट करके हमारे को वारंट कर दिया, हम परेशान कर दिया। और वापस हमने जब सीजीएम साहब के पास गए, एडीजे के साहब के पास गए, डीजे साहब के पास गए, उन्होंने कहा 5 बजे तक तो वारंट होता नहीं है, आप जाइए कोर्ट के अंदर। उन्होंने उसके बाद में डीजे साहब ने अपने प्यून को हमारे साथ भेजा, लेकिन वो वारंट निरस्त नहीं किया। 29 तारीख का हमसे बॉन्ड भरवा लिया, 29 तारीख को हमारी तारीख नहीं लगी, वो बॉन्ड जो हमने व्यक्तिगत दिए वो बॉन्ड गायब हो, फाइल के अंदर ही नहीं है, वहाँ कोर्ट में हमको फाइल ही नहीं पढ़ने दी जा रही है। पेज नंबर बताओ 17/10 वाला, 17/10/22 का साहब, पेज नंबर 21 पे साहब, जो इन्होंने आपसे एक निवेदन है, 1854 आपसे एक निवेदन है, जी सर, जी किसी वकील की मदद लीजिए, कंटिन्यू नहीं बोल रहे, नहीं नहीं बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे दिमाग में, आप एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसा आप बोल रहे हैं वकील की मदद लीजिए, सर ठीक है, लेकिन थोड़ा हमको भी नहीं सर, ऐसा मैडम ऐसा नहीं चलेगा, अगर सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको मदद की जरूरत नहीं है, मैं कोई मुझे कोई परवाह नहीं है। जैसा बोल रहे हैं अब, अगर आपको आप चाहते हो मदद की जरूरत है तो ले लीजिए, नहीं तो सर बोल रहे हैं हमको कोई परवाह नहीं। नहीं सर, जब तक थोड़ा सा वकील की ले ले, क्या है कि वकील साहब, अरे हमें कोई नहीं, आप के आप तक लग ही नहीं पाएगा तो हमको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि सवाल इस बात का है कि अगर आप हमारे अगर आप हमारे प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाएंगे, हकीकत बताऊं ऐसा लग रहा है, हम बाहर गेट में जब एंट्रीज हुए थे तो मतलब एक आपके पुलिस वाले चौकीदार, उन्होंने तारीफ की, आप न्याय के मंदिर में वास्तव में आ गए। आपको मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हम, हाँ सब ये 17/10 मैडम आप थोड़ा सुन लीजिए और अपने हस्बैंड को समझाइए, मैडम प्लीज थोड़ा सा सुन, 17/10 वाला मैडम आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए और हस्बैंड को समझाइए, उसके बाद मैं ये प्रश्न दोबारा नहीं करूंगा। हमारे दिमाग में कई ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, मुझे मालूम है आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, वकील साहब की मदद लो। नहीं मैडम, आप उनको साफ बताइए, ठीक है साहब, सुन लीजिए, जो जैसा पूछा तुम जवाब नहीं दे पाए और उससे आपको परेशानी हो सकती है, मुझे वो नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, चूंकि आप एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है, LLB कर लेने से कुछ नहीं होता है, एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है, अगर हमारे जो प्रश्न आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, हमारे प्रश्न मात्र कानूनी आएंगे, आपकी बात तथ्यात्मक है, आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं आप उसकी बात करेंगे, परंतु वो कितना कानूनी रूप से देखी जा सकती है उसके ऊपर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो अगर आप चाहें तो वकील साहब कोई भी लगाना चाहे लगा लीजिए, नहीं लगाना तो बताइए, हम फिर आगे सुनवाई कर लेंगे। वकील साहब से पैरवी करवाओ, जैसा बोल रहे हैं कि तुम सही तरीके से बोल नहीं पा रहे जो कानून के उसमें आती है। आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई आपको सिर्फ आप थोड़ी सी ये आपका मैडम, हम लोग किसी गार्डन में नहीं है, ये सब ये जितने वकील साहब बैठे हैं ना, इनके सारे पक्षकार, ये जितने वकील साहब बैठे हैं, जैसा बोल रहे हैं जो सुनो, जितने वकील साहब बैठे हैं ये आपका मुकदमा सुनने नहीं आए हैं, ये अपने अपने पक्षकारों का मुकदमा बहस करने आए हैं, तो जब अगर बहस पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती है तो हम उनका भी समय क्यों बर्बाद कर दें? वकील साहब से करवाओ। वकील साहब, हाँ सर, एक से जानकारी देना चाहता हूँ, क्या करना चाहते हैं? अब मैं नहीं बोलूंगा, ठीक, अब आप अगर बहस करना चाहते हैं बात करें, हम भी हिंदी में बात करेंगे ताकि आप भी समझ पाए।
आप बैठ ले या कुर्सी पे बैठ जाए, कोई आपत्ति कुछ नहीं है। प्लीज रिफर द ऑर्डर पास बाय, मैं हिंदी में सर, कृपया इस न्यायालय ने जो ऑर्डर पास किया था सबसे पहले सर उसको। ऑर्डर डेटेड 7/2/2024। इनकी परिस्थितियों को देखते हुए इस पिटीशन में इन्होंने 3 FIR क्वेश्चन करने की मांग की है। उन उनमें जो सेक्शंस हैं वो कॉमन है और इसलिए पहला पहला प्रश्न क्या 482 में 3 FIR, एक मिनट, 3 FIR और जजमेंट ऑफ एक्विटल जिसको चैलेंज नहीं किया गया है, ये चार आदेशों को एक ही 482 में देखा जा सकता है। इन्होंने जो जजमेंट ऑफ एक्विटल लगाया है वो इसलिए लगाया है कि इन्होंने कहा कि उसको निरस्त कर दिया जाए और रिलेवेंट नहीं, वो मतलब वो उसको रेफर कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, उन्होंने आपने सुना ना, परंतु वो ऐसा नहीं हो सकता, ये लीगली पॉसिबल नहीं है, मैं उनको समझा चुका हूँ इसके, आपको डिफरेंट उसको आपको अलग चैलेंज करना पड़ेगा। अब चूंकि आप उनसे संबंधित क्या हुआ कि उसमें नहीं, रेफरेंस पे तो हम देखेंगे, बस बस रेफरेंस पे देखना है, उसकी सेपरेट आप हमें फाइंडिंग दे सकते हैं कि उसको ये चैलेंज करें, दे हैव द लिबर्टी टू फाइल चैलेंज इट, और डिले में भी कंट्रोल, क्योंकि अभी तक आए नहीं कभी और इनकी स्थिति बहुत खराब है, तो इसलिए अभी तक आए नहीं, ना किसी ने उनको एडवाइस किया कि आप उसको एक्वेटर को चैलेंज किए थे, तो उन्होंने एडीजे कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया, तो ये तो वो इशू आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात ये है सर कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लास्ट ईयर हमने पूछा कि लास्ट डेट में कि क्या हो सकता है, तो उसके लिए आई हैव गॉट सम, आई हैव गॉन थ्रू द वेरियस जजमेंट्स एंड आई फाउंड दैट ये पॉसिबल है, मतलब 482 में माय लॉर्ड बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें मल्टीपल पिटीशंस को, मल्टीपल एफआईआर्स को क्वेश किया गया, ये रजनी चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना था, इसमें बहुत सारी एफआईआर्स थी, एक सर ये अभय ओझा का है जिसमें भी ऐसा हुआ है, अपने हाईकोर्ट रूल्स देना जरा, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि हाईकोर्ट रूल्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कि 482 की नंबर ऑफ पिटीशंस को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, सो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू, सो आई एम रेफरिंग द हाई कोर्ट रूल्स चैप्टर 2 रूल 21 फर्स्ट, देयर आर 2-3 रूल्स आई विल रेफर, सो इट विल क्लेरिफाई द सिचुएशन, चैप्टर 2 रूल 20 चैप्टर 2 रूल 21 ब्रैकेट में 5 चैप्टर 2 जरा एक बार फिर से सोचिए, जैसे चैप्टर 2 मानो चैप्टर 2 रूल 21 में 5 इसमें लिखा है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482, ये बताता है कि केस कैसे रजिस्टर्ड होगा, नंबर 1 इट विल बी रजिस्टर्ड एज एमसीआरसी, नाउ प्लीज रेफर चैप्टर 4 बी, आई एम शोइंग ऑल रिलेवेंट रूल्स व्हिच आर रिलेटेड टू 482, देखिए तो दिखाओ, अच्छा से मैं नहीं बैठ रहा, चलो हम देखते हैं, हाँ जी, इसके बाद है चैप्टर 4 बी माय लॉर्ड, चैप्टर 4 हाँ जिसमें क्रिमिनल मैटर्स के लिए रूल्स बनाए हैं, चैप्टर 4 हेडिंग है क्रिमिनल मैटर्स और इसमें है माय लॉर्ड 6 में ब्रैकेट में 6 में देखिए, एप्लीकेशन इनवोकिंग इनहेरेंट पावर्स एन एप्लीकेशन अंडर 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें सिंगल बेंच का डिसीजन दिया गया, ये बताया गया, इसमें कुछ भी नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। अब इसके बाद नाउ रिलेवेंट रूल्स इज चैप्टर 10 मानो, चैप्टर 10 रूल 3 This chapter is made for the preparation of cases. Rule 3, 1D, my lord. Preparation of memorandum of appeal and petition and application under this. 2 is every and 3 is every. Chapter 10, rule? Chapter 10, rule 3. 3. So, like our every memorandum of appeal, civil or criminal. B, memorandum of objection under section, under order
31 रूल 22 ऑफ द कोड ऑफ सीबीसी एंड रिट एंड रिवीजन क्रिमिनल पिटीशन और फिर डी में लिखा हुआ है एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 97 इसमें आगे लिख रहे हैं शैल बी इन पेपर बुक फॉर्म उसी में आगे मैटर डी का जो एक्सप्रेशन नीचे दिया है इनक्लोज इन कवर विद द पेज नंबर्स एंड इंडेक्स इन फॉर्म 4 एंड शैल बी फाइल इन टू आइडेंटिकल सेट्स इन द डिवीजन बेंच इन केस सो इट इज फॉर द डीबी केसेस मैन सो देयर इज आल्सो नथिंग देयर मैन नाउ प्लीज सी रूल 7 मैन सेम इसी में ये थोड़ा स्पष्ट करता है इसी में आगे चलिए मैन 3 के बाद 4 5 6 7 ये थोड़ा सा बता रहा है पर इट इज गिविंग डिस्कशन टू द लॉर्डशिप सेपरेट पिटीशन शैल बी मेड इन रिगार्ड टू डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट मैटर्स इसमें आगे बढ़े नेक्स्ट पे प्रोवाइडेड दैट वन पिटीशन में बी फाइल चैलेंजिंग मोर देन वन ऑर्डर ये आपको सर इसमें लिबर्टी दे सो रूल 7 इज रिलेवेंट ऑफ चैप्टर 10 which provide that one 482 may file for challenging number of petitions. Yes. It is on the lordship. So in this case, it is a very extraordinary case. I request my lord with the mercy that all these three FIR may be challenged in this petition because he don't know the law, but law permits. So it's provided that one petition may be filed challenging more than one order passed by the same case on the same day with the leave of the court. But it is leave of the court. So, my lord, this is the case. Now, please refer, my lord, rule 43 also. In the same chapter. Yes. The cause title of the, this is for the direction for the criminal matters. So, rule 43. May I proceed, my lord? The cause title of every memorandum of appeal, petition and applicant shall contain the name, description, address of the police station of each appellant, petitioner or applicant, the name, description, address of the police station of each person who is proposed to be made opposite party, the status, whether the prosecution, complainant, applicant, accused or non-applicant, etc., parties, the court of first instance. So it is also not describing. So that is all relevant rules I found in the High Court rules. Now, my lord, High Court rules, after rule High Court rules, I request my lord, looking to the this case, because all these three FIR filed by the ये जो इन्होंने पेश किए हैं एक बार फिर से my lord उसको दे आपको दे जिस counter FIR judgment को इन्होंने जो refer किया है उसका जो पैरा दो है ये स्पष्ट कर रहा है थोड़ा एक बार फिर से आपको ध्यान दिलाऊं मुझे पेज नंबर 16 में अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सिम्मी पार्टी ने रिपोर्ट किया कि घटना 10/2/2016 को वह अपने पति जम्बू पार्टी के साथ आरोपी सेठ जेठ संतोष के घर रहने के लिए गई ये मतलब इससे आपको पूरा नेक्सस मिल जाएगा स्टेप पर कि वास्तव में केवल इतनी सी बात है कि ये अपना घर में जा रहा है और वो घुसने नहीं दे रहे पिता की मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी इनको मिलनी थी दे आर यार्न के व्यापारी इनका बड़ा भाई जब फादर एक्सपायर हो गए इट इज एवरी इन द पिटीशन और उसके बाद जब बड़े भाई ने इनको बाहर कर दिया तो इनकी संपत्ति भी ले ली और इनको व्यापार से ही बेदखल कर दिया तो ये पैरा दो समझा रहा है कि जब इसने कहा कि हमें घर में रहने दो इनके बच्चे भी नहीं है इनफैक्ट वो कहते हैं कि हमारे बच्चे भी नहीं तो उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं उनको ये है कि हमें एक सोशल रिस्पेक्टफुल लाइफ मिले आपके साथ हमको रहना मिले ये इतनी सी इशू था घर में रहने के लिए गए तभी संतोष ने कहा कि तुम इस घर में नहीं रहोगी इस बात पर विवाद हो गया तथा आरोपी संतोष एवं पीयूष बैठ जाइए शांति से बैठ जाइए आप शांति से बैठ जाइए आपने बाहर कर दूंगा लेट्स बिफोर अनदर बेंच बट देयर मेंटल सिचुएशन प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट बट देयर मेंटल सिचुएशन इज जस्ट अ मिनट बट अर्लियर द बाहर कोर्ट में समझा चुका हूं कि अर्लियर द एप्लीकेंट earlier the applicant had mil jayega aapne sorry sir earlier the applicant had argued the matter and the manner in which the matter was being argued this court found that the applicants may not be able to answer the queries raised which may be raised by the court police stop even a coordinate bench of this court by order dated 7/2/2024 had requested Shri
रविंद्र कुमार गुप्ता एडवोकेट टू असिस्ट दिस कोर्ट. When this court realized that the applicant may not be able to answer the queries, then an option was given to the applicant number two as to whether he would like to take the assistance of a lawyer, because this court is of a view that the applicant may not be able to answer the legal queries. Accordingly, Shri Ravindra Gupta took over the arguments. While Shri Ravindra Gupta was arguing the matter and was effectively putting forward the case, the applicant number one all of a sudden stood up and tried to intervene with the arguments of, and started having some altercations with Shri Ravindra Gupta. Under these circumstances, this court is not in a position to hear the matter where the applicants are not in a position to address the court in accordance with law and are also not ready to respect the lawyer who is arguing on their behalf. Accordingly, place this case before another bench. जब हम बढ़ा रहे हैं सो बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते. रविंद्र जी, रविंद्र जी, रविंद्र जी सुनिए मैडम, मैडम पूरी बात मैडम सुन लीजिए, मैडम सुन लीजिए, मैडम सुन लीजिए प्लीज. रविंद्र गुप्ता जी कोर्ट की सुनिए मेरी बात, ये रिक्वेस्ट पे आपकी मदद कर रहे हैं. आपने उनको एंगेज नहीं किया, उनको हमने कोई फीस नहीं दिलाई, ठीक. अभी वो आपने कहा हिंदी में बहस करना, वो हिंदी में बहस करवा रहा हूं मैं, हिंदी में मैं जवाब दे रहा हूं. आप जबरदस्ती उनके साथ बहस कर रही हैं. अगर आपको विश्वास नहीं है किसी के ऊपर भी सर, तो एटलीस्ट कल को आप कहें कि सर हमारी बात ये नहीं लिखी गई, वो नहीं लिखी गई, आई एम लीस्ट बॉदर्ड. ऐसा नहीं होगा, नो सर, सॉरी, आई हैव ऑलरेडी पास द ऑर्डर. गुप्ता जी मैं तो नहीं सुनूंगा सर, आप नहीं सुने सर, पर एक सजेशन सर. व्हाट ऑर्डर इज पास बाय द लॉर्डशिप माय लॉर्ड इन ऑर्डर डेटेड 7/14. मैं कुछ नहीं करूंगा. अगर पक्षकार, सुनिए मेरी बात, माफी मांगता हूँ, सुनिए मेरी बात गुप्ता जी, अगर पक्षकार को मुझे लगा कि वो मेरे विधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, सर हम दे रहे हैं सर, ठीक, हम पेशेंस से देंगे सर. उसके बाद हम पक्षकार के हित के लिए और क्या करें सर, बस कि जो न्यायालय के द्वारा जो अधिवक्ता उनको मुहैया कराया गया था, उसके बाद हम आपको सुन रहे हैं पर आपके ऊपर ही अविश्वास किया जा रहा है, जब हम क्या करें. मेरा निवेदन ये है कि मैं मानता हूँ सर कि आज ही जाके आपने पेन लिया सर, वो यहाँ बैठते थे और आपने उनको बुला के पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठते हैं, और सर मैं आया और मैं सहायता हूँ सर कि आप उनकी मानसिक स्थिति देखते हुए बस इतना करते हैं सर कि आईआर में भी कंटिन्यू. और इसमें एक चीज है मालॉर्ड, इसमें रिप्लाई फाइल करने के लिए केवल चार्जशीट की कॉपी आ जाए, इतना डायरेक्शन दे दें सर प्लीज. एंड मैटर में जुलाई मैडम इतने में हो जाएगा वो ऑर्गेनाइज.